हेलो गाइस, एक्सेलेरा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को हैंसन करने वाला हूँ आईटेल का A45। तो ये जो फ़ोन है बेसिकली अगस्त 2018 के अंदर इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो जहाँ पे मैं इस फ़ोन की ओवरव्यू करूँ तो जहाँ पे बेसिकली 5.45 इंच का HD प्लस डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। यहाँ पे राइट साइड में बात करें तो वॉल्यूम रोकर एंड पावर बटन मिल जाए। नीचे यहाँ पे बेसिकली जैसे कि भी हमारा स्पीकर माइक होल और पोर्ट मिल जाता है। और लेफ्ट साइड में ये एक स्पेशल बटन है जिस पे आप बाइक मोड को मतलब इस फ़ोन में बाइक मोड है जिसको आप अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं स्पेशल बटन की। और पीछे की तरफ यहाँ पे ड्यूल कैमरा का सेटअप है और यहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। फ़ोन वैसे लुक वाइज अच्छी है, जहाँ पे ड्यूल सिम का भी सपोर्ट है और माइक्रो SD कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक्सपेंड कर सकते हैं 128 GB तक का। तो इस फ़ोन की स्पेशलिटी के बारे में मैं बताऊँ तो ये जो है मीडियाटेक का MT6739 वाला 1.3 GHz की क्लॉक स्पीड पे सेट किया हुआ क्वाड कोर वाला प्रोसेसर है। इसमें में एक 1 GB की रैम आती है और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज आती है। एंड्रॉयड 8.1 ओरियो गो एडिशन के साथ आता है। तो बेसिकली गो एडिशन वाले फ़ोन तो 1 GB और 8 GB के साथ ही होते। तो यहाँ पे गो एडिशन का फायदा ये है जो इसमें गूगल गो यूट्यूब गो भी मिलता है इस फ़ोन के अंदर। आपको यहाँ पे मैं बता दूँ जो यहाँ पे सिक्योरिटी पैच जो है वो नवंबर का दिखा रहा है। बेसिकली ये फ़ायदा होता है गो एडिशन का, मतलब गूगल की तरफ से ही आपको जो अपडेट मिल जाते। यहाँ पे 5+ 0.3 MP का यहाँ पे रियर कैमरा हुआ है। 0.3 MP इसका कुछ समझ में, BGA कैमरा होता है ये बेसिकली। तो जहाँ पे ऑटो फोकस का सपोर्ट है, मतलब कैमरे से इतना कुछ एक्सपेक्ट मत करना, जब ये कैमरा कुछ खास अच्छे नहीं होते तो। और 5 MP का फ्रंट कैमरा है, बेसिकली ठीक ठाक ही है। 5000 की फ़ोन है ये, 6000 में लॉन्च हुआ था। 2700 mAh की बैटरी इसमें प्रोवाइड करवाई गई है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है आपको, यहाँ पे OTG का सपोर्ट भी मिल जाता है, रिमूवेबल बैटरी भी मिल जाती है और डुअल सिम के साथ वगैरह वगैरह की ऑप्शंस में आते। बेसिकली मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये जो फ़ोन है मतलब एकदम बेकार भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ठीक है, पर मैं ये जो फ़ोन है वो आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर सकता। बेसिकली ये होता है कि 1 GB रैम के साथ चलना थोड़ी बहुत मुश्किल होती है। और एंड्रॉयड गो एडिशन का मतलब ये होता है कि जो मेन एंड्रॉयड है उसका लाइटर वर्जन होता है, मतलब बहुत सारे फीचर्स जो होते हैं मतलब उसमें रिमूव कर दिया, हटा दिए जाते हैं, मतलब लाइट कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये जो है जो कमज़ोर हार्डवेयर वाले फ़ोन होते हैं जिनमें प्रोसेसर मतलब कमज़ोर होती है, तो उनमें एंड्रॉयड गो एडिशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब ये एक फ़ोन मैं ऐसे नहीं कह सकता बेकार है, पर बेसिकली ये फ़ोन इतनी अच्छी भी नहीं है। मतलब मुझे इनका कुछ फंडा समझ में नहीं आया। मैं इनको ख़राब भी नहीं बोल सकता और अच्छा भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि ये जो फ़ोन है कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको अगर आपकी मतलब बजट इससे 1-2 हज़ार बढ़ा सकते हैं तो रियलमी का C1 आ जाता है, वो एसुस का जन कुछ M1 करके आ जाता है, जनफोन M1 ऐसे और भी ऑप्शंस वगैरह है, आप देख सकते हैं। तो फ़िलहाल इसके लिए मैं और आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा का, मतलब मेरे हिसाब से ये मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, मतलब इस प्राइस में। मतलब आप 1-2 हज़ार बढ़ाकर कुछ और देख सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए इस वो वीडियो में बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।